गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ सोनिया दडवाल एंड आई होप आप लोग सब ठीक हो एंड आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी हो। सो आज मैं आई थी दुबई, मुझे कुछ काम था तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग भी करते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी ये ब्लॉग पहले भी अपलोड किया, आप देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। एंड आज मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कुछ नया दुबई में। एंड आज इस बार, पिछली बार हमने कार पार्क की थी पासे में, इस बार मैं ट्राई करूँगी कि मैं अबरा यूज़ करूँ, जो कि अबरा है वो 2 दिरहम का, मे बी 2 दिरहम पे करना पड़ता है उसके लिए। आप इस साइड से दूसरी साइड जा सकते हो। एंड मेरे जस्ट सामने है वो है गोल्ड सूक, जो आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में, वो भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आपने पिछला मेरा ब्लॉग देखा होगा, मैंने मंदिर दिखाया था आपको एंड मीना बाजार, ओल्ड मार्केट। सो टुडे आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक सम फूड ब्लॉग एज वेल, हम इंडियन स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। एंड मेरे पीछे कुछ ऐसा व्यू है, होटल है पीछे एंड काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे स्टे करते हैं। एंड यहाँ पे जो है वो है गोल्ड सूक है पीछे, एंड ऐसा एरिया है ये, हम ये क्रॉस करेंगे। सो ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिए। एंड गाइज ये देखिए कितनी ज़्यादा अबरा खड़ी है, ये देखिए काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको। हमने भी अपनी गाड़ी इस बार यहाँ पे पार्क कर दी है सो दैट हम भी एक्सपीरियंस ले सके इसका। एंड यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन शॉप्स है। बेसिकली यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली कम्युनिटी रहती है एंड सच में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा एरिया है। सो गाइज ये है अबरा एंड सामने मंदिर है। यहाँ से ज़्यादा ईजी पड़ता है एक्चुअली, हम पिछली बार आए थे तो हमें गाड़ी पार्क करके काफ़ी चलना पड़ा था यहाँ तक आने के लिए, बट यहाँ से आपको बहुत सही रहता है, आप यहाँ पे 2 दिरहम दे के क्रॉस कर सकते हो डायरेक्ट एंड मंदिर जाने का रास्ता भी बहुत आसान है। सो ये बेस्ट ऑप्शन रहती है। सो गाइज ये है देरा ओल्ड सूक स्टेशन। अभी हमने अबरा ले ली है, जो सामने है वो प्राइवेट है, उसकी 2 दिरहम है, बट उन्होंने बोला ये वाली आप बैठ सकते हो क्योंकि ये सारे इसमें जाते हैं, इसका जो है वो 1 दिरहम ओनली है। ये RTA की तरफ से है, जो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है। ये देखिए एंड अभी हम क्रॉस करेंगे। सो गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप भी जरूर ट्राई कीजिए ये। एंड ये आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हमने प्राइवेट जो थी, हमने प्राइवेट बोट ली थी। जिन्होंने अभी तक मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो वो वाला ब्लॉग। एंड अभी हम पहुंचने वाले हैं। तो गाइज अभी हम उतर चुके हैं एंड हम अंदर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। एंड आप भी ज़रूर ट्राई करिए अगर आप यहाँ पे आते हो। सो ऐसे यहाँ पे बसेस भी जाती हैं जो टूरिस्ट आते हैं। सो ये है सूक दुबई। सो गाइज ये आप लोगों ने पहले ही मेरी वीडियो में देख लिया होगा, सो मैं ट्राई करूंगी आपको कुछ नया दिखाने के लिए। अभी कोई लाइन नहीं है सो अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं एंड आज इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है सो दर्शन भी इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पूजा का सामान मिल जाता है, जैसे आपको प्रसाद वगैरह लेना हो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। ये देखिए कितने का है। सो गाइज यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं एंड जो ये वाला एरिया, यहाँ पे सारी आपको ज्वेलरी मिल जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया है ये। सो गाइज अभी मैं हूँ मिनी पंजाब के सामने एंड इनके सच में पानीपुरी बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
पिछली बार भी आई थी, बट ये लोकेशन अलग है। एंड आप भी ज़रूर आइए अगर आप यहाँ पे आते हो मीना बाज़ार में। गाइज अभी हम करेंगे ट्राई दही पूरी, एंड ये भी मैंने देखा है, मुझे टेस्टी लगी। अभी देखते हैं। टेस्टी है। तो गाइज अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ पिस्ता कुल्फी। वेज वर्ल्ड रेस्टोरेंट में एंड काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे भी। इनके पास साउथ इंडियन फूड है, चाट में है, काफ़ी ज़्यादा कुछ इंडियन ब्रेकफास्ट है, छोले भटूरे, स्नैक्स है, सैंडविच बर्गर है, पिज्ज़ा है, काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बट मोमोज अभी नहीं है अवेलेबल, तो अभी मैं खाने वाली हूँ वेज फ्रेंकी। एंड मैं आपको भी टेस्ट बताऊँगी कैसे है। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको आइसक्रीम, फालूदा, काफ़ी ज़्यादा कुल्फ़ी है, ये भी ले सकते हो। एंड टेस्टी है काफ़ी। एंड अंदर बैठने के लिए भी बना है, आप बैठकर भी खा सकते हो, बाहर भी है स्टॉल, काफ़ी एरिया है। थैंक यू। सो गाइस ये है मेरा वेज फ्रेंकी, एंड अभी हम ट्राई करेंगे कैसा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है सच में। इन्होंने स्टफिंग दी है, इसमें सारी सब्जियां हैं, प्याज, टमाटर एंड चीज़ भी है थोड़ा। एंड सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें अगर यहाँ पे आते हो। प्योर वेज रेस्टोरेंट है। सो गाइज मैंने इनका वेज फ्रेंकी ट्राई किया था, जैसे मैंने आपको बताया, टेस्टी था, ठीक था। अभी हम किसी और जगह चलते हैं एंड वहाँ पर ट्राई करेंगे। एंड मुझे मोमोज ट्राई करने थे बट वो नहीं थे। एंड ये देखिए यहाँ पे आपको परफ्यूम वगैरह मिल जाएंगे सारे, हैंड बैग्स, परफ्यूम। यहाँ पे आपको चॉकलेट्स, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बॉम्बे टाइम्स है, लस्सी हट सामने है, भैभव रेस्टोरेंट, वहाँ पे जा रहे हैं। सो गाइस ये है भैभव रेस्टोरेंट एंड ये फ्रेश जो पाव बनता है यहाँ पे। भैया कितने पाव बन जाते हैं एक दिन में? 5-6 हज़ार। सो ये देखिए ये फ्रेश पाव बना रहे हैं अभी। एंड यहाँ पे तीन काउंटर है, यहाँ पे पाव बनते हैं और दूसरी साइड आपको पाव भाजी मिलती है और तीसरा जो है वहाँ पे पानी पूरी वगैरह और स्टॉल्स है। तो गाइस ये देखिए फ्रेश पाव भाजी बनने वाली है। इनकी सच में बहुत ज़्यादा चलता है इनका रेस्टोरेंट। यहाँ पे तीन काउंटर है, जैसे फर्स्ट में मैंने बताया आपको ये पाव बनाते हैं फ्रेश। एंड भैया ने बताया 5-6 हज़ार जो पाव बनाते हैं एक दिन में। एंड यहाँ पे आपको पाव भाजी मिलती है, दूसरे में आपको बाकी है चाट वगैरह। एंड अभी मैं आपको टेस्ट बताऊंगी, मैंने भी पाव भाजी ऑर्डर किया है, कैसा बनती है। एंड बड़ा पाव इनका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे सेल हुई है। एंड अभी मैं देखूंगी, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने बताया मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ था, मैं भी आज ट्राई करूँगी। तो गाइस ये देखिए रेडी है, अभी मैं आपको खा के बताती हूँ। एंड गाइस सच में बहुत ज़्यादा सेल हो गया, क्योंकि अभी जो बड़ा पाव खत्म हो चुकी है। मैंने पाव भाजी ऑर्डर किया था, अभी मैं टेस्ट देखूँगी कैसा है। एंड हमें बैठने की जगह फिर बाहर तो नहीं थी, मैंने सोचा था बाहर खाएंगे, बट अभी मैं ऊपर आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, सच में बहुत क्राउड रहता है। एंड अभी हम टेस्ट करेंगे। एंड ये देखिए ब्रेड कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ये फ्रेश पाव बनाते हैं, इनकी अपने ही साथ में बना रहे थे ये। एंड अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। सच में गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। ये भैभव रेस्टोरेंट है मीना बाज़ार में। एंड ब्रेड देखिए इनकी कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि ये फ्रेशली मेड है इसलिए। एंड
ये एक दिन में 5 से 5-6 thousand एक दिन में बना लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, भाजी भी बहुत अच्छी है एंड पाव तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अभी मैं आपको खा के आपसे बात करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं ये मिस नहीं करना चाहती हूँ। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया ये फ्रेश पाव बनाते हैं, तो आप घर पे भी लेके जा सकते हो। जैसे 10 dirham के अगर विदाउट बटर आप लेते हो तो 20 पीस मिलेंगे आपको पाव के, एंड अगर विद बटर है तो आपको सिर्फ 5 मिलेंगे। बट काफ़ी सही है, आप लेके जा सकते हो इतने पीस, 10 के 20 बाहर से आपको नहीं मिलेंगे एंड फ्रेशली है जैसे ये फ्रेश बनाते हैं, सो काफ़ी सही रहता है। सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पे ओवन फ्रेश मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे है बॉम्बे पाव, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ये देखिए बिस्किट्स, सब कुछ ये फ्रेश बनता है यहाँ पे एंड काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए अगर आप आते हो। तो ये देखिए भैया जूस बना रहे हैं, ये गन्ने का रस। हेलो, ये आई एम गुड, ये फ्रेश है गन्ने का रस, पी लीजिए मैं थोड़ा है। सो ये ट्राई करें, टेस्टी है। थैंक यू सो मच। इंडिया में ये ना इसमें नमक और लेमन डाल के देते हैं रस में। हाँ वो तो ठीक है, रस में आपको इसमें लेमन नहीं डाला था क्या भाई? हाँ लेमन नहीं डाला था। गाइस यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे जरूर गन्ने का रस ट्राई करके जाएं, बहुत ज्यादा टेस्टी है। जैसे ही आप आगरा से आते हो ये आपको पहले ही दिखाई देगा। बोट्स कितने ज़्यादा आगरा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन किया एंड किसी की पार्टी चल रही है ऊपर। सो गाइस, जो आगरा होती है ये इसकी टाइमिंग है रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक ये चलती है एंड उसके बाद बंद हो जाती है इसकी सर्विस, एंड ये बहुत सही रहती है अगर आपको ये ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। आप अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क लगा सकते हो दूसरी साइड एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट आ सकते हो। हमने ये वाली इस बार ट्राई किया है एंड बहुत सही रहा, एंड मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है नया एंड बहुत सही रहा। सो गाइज, ये था मेरा आज का ब्लॉग एंड मैंने ट्राई किया था काफ़ी ज़्यादा कि मैं स्ट्रीट फूड ट्राई करूँ, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला एंड काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है हर एक रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं, सो इसलिए ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाए। एंड मुझे था कि मैं आज आपको गोल्ड सूप भी दिखाऊं, बट अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। सो आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊं, वो हम अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे। एंड ये कुछ व्यू है इसका आपको, जैसे मैंने बता दिया आगरा का, एंड ये है देरा, एंड आप बर दुबई जाते हो आगरा लेकर, आपको जो RTA का उसका सिर्फ 1 dirham पे करना पड़ता है एंड जो प्राइवेट होता है उसका 2, एंड आप जा सकते हो आराम से, आपके लिए इजी रहता है, आप अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके दूसरी साइड जा सकते हो। एंड वहाँ पे दूसरी साइड है मीना बाज़ार, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी शॉप्स हैं एंड रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा एरिया अगर आप UAE में दुबई में घूमने आते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। जैसे जिन्होंने अभी मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा, मैंने पहले भी बर दुबई के ऊपर बनाया था मीना बाज़ार पे, वो ज़रूर चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी अपने ब्लॉग का। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरे साथ, सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए सो दैट मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आती रहूँ आपके साथ।